मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कुछ तो खतरा है। चिंटू चिंटू वो देखो कितने सारे चूहे। देखो चूहे, वीर बचाओ। ओफो, इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? चिंटू इन्हें खत्म कर दो। नहीं चिंटू, इन्हें मारो मत, ये चूहे हैं, खाने की तलाश में आए हैं, इन्हें सिर्फ बाहर फेंक दो। तुम्हें क्या डर रहे हो, वो तो सिर्फ चूहे ही हैं। मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। वीर जग गया है, अब कोई फायदा नहीं, चूहों को वापस बुलाना होगा, फिर मौका देख के हमला करूंगा। चिंटू सब चूहे चले गए, अब डरो मत। कमाल है जिन्हों के डर रहे हो। जिन हूँ लेकिन बच्चा भी तो हूँ, मुझे भी तो डर लगता है। वीर क्या हुआ, ये शोर कैसा था? दादाजी पता नहीं कहाँ से बहुत सारे चूहे आ गए थे, लेकिन मैंने सबको बाहर भगा दिया। हाय वीर। हाय इमली। पता है कल रात ना जाने कहाँ से बहुत सारे चूहे मेरे रूम में आ गए थे। जिंटू का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया था, वो हमारी मदद करने के बजाय टेबल पे चढ़ के थर थर कांप रहा था। लेकिन इतने सारे चूहे आए कहाँ से? वीर बचाओ मुझे, हेल्प मी। जिंटू बिल्ली बन जाओ, तुमसे डर के चूहे भाग जाएंगे। जरा वो तो देखो, पहली बिल्ली ऐसी होगी जो चूहों से डर के भाग रही है। ये चूहे नहीं है, ये रोबोट्स हैं और मेरे लिए आए हैं, मैं इन्हें यहाँ से दूर ले जाता हूँ। मैं बिना जादू के भी सब कुछ कर सकता हूँ, क्यों इमली? हाँ जिंटू, चाहो तो तुम जरूर कर सकती हो, लेकिन तुम चाहते ही नहीं। अभी की ही बात देखो, भूख लगी थी तो जादू से चाट लिया है। ठीक है, देखना आज मैं पूरा दिन बिना जादू के ही सब काम करूँगा। अरे बाइक किसकी है? अरे बहुत अच्छी है, बैठ के देखता हूँ। टारगेट मैचिंग। गेम ऑन वीर। ये हो क्या रहा है? इमली, ये बाइक नहीं कोई रोबोट है, मैं इसमें मैग्नेट से चिपक गया हूँ, तुम लोग दूर रहना। चिंटू वीर को बचाओ, वो बाइक रोबोट है, वो वीर को पकड़ के ले गए हैं, जल्दी से जादू करो। मैं आज बिना जादू के ही वीर को बचा के दिखाऊंगा, मैं आज साबित कर दूंगा कि बिना जादू के मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। आज सुबह वीर को बचा के ही दिखाऊंगा। जिंटू मैं दादाजी को फोन लगाती हूँ। रोबो बॉय सूट ऑन। तुम्हारी कोई भी लेजर बीम इस मैट बाइक को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये लेजर प्रूफ है। दादाजी, वीर इमली ने मुझे फोन पे सब बता दिया है, वो बाइक ऑटो कंट्रोल में है या मैड मैक्स उसे कंट्रोल कर रहा है,
उसे किसी तरह मैनुअल कंट्रोल में लाओ। ओके दादा जी। ओह नो, उन बच्चों को किसी तरह बचाना होगा। अब मैड बाइक बच्चों से टकराएगी तो वीर हर तरफ पर। रुक जाओ रुक जाओ, क्या कर रही हो? रुक जाओ। ये बिल्ली तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वीर, हेल्प वीर! ये गधा मेरी जिंदगी में कहां से आ गया? मैं इस गधे से ही नहीं जीत पा रही हूँ। वीर तो बहुत दूर की बात है। चलो जिंटू, आज गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ, बहुत दिनों से गिल्ली डंडा नहीं खेला है। और कितनी मार खानी बाकी है? मैं गिल्ली लेकर आता हूँ। गधे से पीछा छुड़ा लूं, फिर वीर को देखूंगी। अगलम बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। इतना बड़ा ढोल! बॉस, मैं हार गई। बॉस, पहले उस गधे ने परेशान किया, फिर उस बड़े से डॉगी ने बहुत भगाया। बॉस, वीर के तो पास भी नहीं जा सकी मैं। वीर को खत्म करना कितना मुश्किल है। ये क्या बॉस, तुमने दूसरी कैट रख ली, वो भी मेरे जैसी? ऐसा मत करो बॉस, टिम्बक्टू तो कई बार फेल हुआ है और आपने उसे नहीं हटाया। मुझे क्यों हटा रहे हो? ये बिल्ली नहीं, रोबोट है। जो काम तुम नहीं कर पाई, अब ये करेगी। अगर रोबो बॉय उससे नहीं लड़ पा रहा है तो हमारा क्या होगा? रोबो बॉय, क्या हुआ? तुम ऐसे फ्लोट क्यों कर रहे हो? उड़ क्यों नहीं रहे? पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजन ही गायब हो गया है। मैं एक बलून की तरह हल्का हो गया हूँ और मेरा जेट पैक, लेजर बीम सब खराब हो गए हैं। ना मैं उड़ सकता हूँ, ना ही लेजर फायर कर सकता हूँ। <ये? laughs>
चुलबुल तुम जिंटू को ढूंढो, मैं दादाजी को खबर देती हूँ। लाफिंग रोबोट, चलो हो जाए मुकाबला, देखते हैं कौन वीर को ज्यादा दूर फेंकता है। ओके, मुकाबला मुकाबला। टिम्बकटू, मुझे जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। वीर, अब सब कुछ अच्छा ही होगा, देखो मेरा निशाना।